हिंदी सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की खूबसूरती ही ऐसी थी कि उन्हें देखने वाले देखते ही रह जाते थे। उनकी खूबसूरती के दीवाने फैंस ही नहीं बॉलीवुड एक्टर्स भी हुआ करते थे। फिल्मी दुनिया का एक सुपरस्टार तो एक्ट्रेस को देखते ही डायलॉग भूल जाया करता था। अपनी फिल्मों में दमदार स्टाइल, डायलॉग डिलीवरी के लिए पहचाने जाने वाले ये एक्टर पुलिस की नौकरी छोड़ बॉलीवुड में आए थे। हिंदी सिनेमा का वो एक्टर जो भले ही कभी नंबर वन हीरो नहीं बन सके, लेकिन डायलॉग डिलीवरी और बरबोलेपन के कारण हमेशा छाए रहते थे। उनके कितने ही दिलचस्प किस्से आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। वहीदा रहमान संग सुपरहिट फिल्म में नजर आ चुके ये सुपरस्टार मीना कुमारी को देखते ही डायलॉग भूल जाते थे। आइए जानते हैं क्या है उनका नाम। 60 और 70 के दशक के वो आइकॉनिक एक्टर कोई और नहीं बल्कि दमदार परफॉर्मेंस और धमाकेदार डायलॉग के लिए पहचाने जाने वाले राजकुमार थे। राजकुमार अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाले शख्स थे। उनके डायलॉग लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। दिलीप कुमार संग एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुए विवाद के बाद तो उन्होंने उनके साथ 33 साल तक काम नहीं किया था। मीना कुमारी की खूबसूरती पर भी वो काफी फिदा थे। इतना ही कि उन्हें देखकर वो अपने डायलॉग भूल जाया करते थे। राजकुमार कभी भी एक्टिंग में करियर नहीं बनाना चाहते थे। उनकी हाइट और पर्सनालिटी की वजह से उनके एक दोस्त ने उन्हें एक्टिंग में करियर बनाने की सलाह दे डाली थी। हालांकि वो इस बात को सिरे से नकार दिया करते थे। अपने दोस्त के जिद पर उन्होंने फोटोशूट तो करा लिया, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि वो एक्टर बन जाएंगे। उनके उस दोस्त ने एक्टर की वो फोटो डायरेक्टर को भेज दी थी। डायरेक्टर राजकुमार को देखते ही बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें लुक टेस्ट के लिए बुला लेते हैं। इसके बाद ही उन्हें साल 1952 की फिल्म रंगीली में पहला चांस मिलाता है। राज कपूर और दिलीप कुमार पहली बार साल 1958 में बनी फिल्म पैगाम में नजर आए थे। इस फिल्म में राजकुमार ने उनके बड़े भाई और दिलीप कुमार ने छोटे भाई की भूमिका अदा की थी, जहां एक सीन में राजकुमार को दिलीप कुमार को थप्पड़ मारना था और वो थप्पड़ दिलीप साहब को बहुत तेज पड़ता है। उन्हें लगता है कि राजकुमार ने जानबूझकर ऐसा किया है। इस एक सीन के बाद दोनों ने 33 साल तक 60 में किसी फिल्म में काम नहीं किया था। हालांकि 33 साल बाद दोनों ने फिल्म सौदागर में एक साथ नजर आए थे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।